हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज जो विषय मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो विषय है ग्रामीण कृषि की अर्थव्यवस्था ब्रिटिश काल के दौरान। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी ब्रिटिश काल यानी औपनिवेशिक काल में वह किस प्रकार की थी, उसका स्वरूप क्या था, है ना। इसके साथ साथ उस अर्थव्यवस्था में क्या सकारात्मक लक्षण थे और क्या नकारात्मक लक्षण थे, इन सभी बातों की चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। ये जो आज जो हमारा विषय होगा वह यूजी पीजी और साथ ही विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। औपनिवेशिक सत्ता की आर्थिक नीतियों का देश की कृषि अर्थव्यवस्था एवं उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस क्षेत्र में भी सरकारी नीतियों का लक्ष्य था देश की ग्रामीण संपदा का अधिक से अधिक शोषण करना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत की भू व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन किए गए। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा महालवाड़ी बंदोबस्त के रूप में नई व्यवस्था को लागू किया गया। इन व्यवस्थाओं ने भारतीय गांवों की पुरानी अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात किया तथा उनके औपनिवेशिक शोषण का काम आसान कर दिया। इस शोषण का सीधा तरीका था कि भूमि की व्यवस्था चाहे जो हो, लगान की दर तथा वसूल की जाने वाली धनराशि को ज्यादा से ज्यादा रखा जाए। लगान वृद्धि से भी बड़ी बात यह थी कि नई व्यवस्था ने भूमि के निजी स्वामित्व को स्थापित किया तथा व्यक्तिगत कर निर्धारण एवं अदायगी की परंपरा को आरंभ किया। भूमि को निजी संपत्ति बनाकर तथा उसके निजी तौर पर क्रय विक्रय को आरंभ करके इस व्यवस्था ने भूमि के संकेंद्रण अर्थात एक व्यक्ति द्वारा अधिक से अधिक भूमि खरीदने को संकेंद्रण, भूमि का संकेंद्रण कहते हैं, तथा किसानों के उजाड़े जाने दोनों ही प्रक्रियाओं को जन्म दिया। नई व्यवस्था में लगान की अधिक मांग और सामंती शोषण ने किसान को पूरी तरह से तबाह करना शुरू कर दिया। इतिहासकार जे डब्ल्यू काय के अनुसार सारे भुगतान के बाद किसान के पास मुश्किल से इतना ही बचता था कि वह अपने को और अपने परिवार को जीवित रख सके। कृषि के क्षेत्र में यह परिवर्तन ऐसे समय में हो रहे थे जबकि शहर व कस्बे में हस्तशिल्प के बर्बाद हो जाने के कारण तथा सरकारी नौकरी प्राप्त करने के अवसरों में कमी के कारण गांव पर जनसंख्या का भार पड़ रहा था। 1881 में खेती पर निर्भर आबादी की संख्या लगभग 61.1% हो गई थी। अगले 50 वर्षों में यह संख्या बढ़कर कुल आबादी का 75% तक पहुंच गई। कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते हुए भार का
स्वाभाविक परिणाम ज्योतों के छोटे होते जाने के रूप में सामने आया। यह भूमि के विभाजन तथा उपविभाजन के कारण हुआ। अलाभकारी ज्योत किसान के पास कृषि में लगाने के लिए पर्याप्त पूंजी का ना होना, जमींदार तथा सरकार की कृषि विकास में रुचि का अभाव, इन सब का दुष्परिणाम भूमि की उर्वरता में कमी तथा औसत उत्पादन में गिरावट के रूप में सामने आया। उत्पादन में कमी, जोत का छोटा होता जाना, राज्य व जमींदार की देनदारियां का भारी बोझ, इन सब ने मिलकर किसान के दरिद्रीकरण की प्रक्रिया को तेज किया। किसान की बढ़ती हुई गरीबी ने उसे महाजनों से ऋण लेने के लिए बाध्य किया। कहीं कहीं पर तो यह कृषि दास्ता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी। इस ऋणग्रस्तता ने उसके दरिद्रीकरण की प्रक्रिया को और तेज बना दिया। इस तरह किसान की गरीबी और उसका साहूकारों के बोझ से दब जाना सरकारी नीतियों के स्वाभाविक परिणाम के रूप में सामने आया। 1880 ईस्वी में फॉफिन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, एक तिहाई काश्तकार इतना अधिक ऋणग्रस्त है कि उसके लिए ऋण मुक्त होना संभव नहीं। लगभग एक तिहाई लोग और भी ऋण के चक्कर में है, यद्यपि वे कभी भी अपने को इससे मुक्त कर लेने की स्थिति में नहीं है। 1943 ईस्वी में लिखते हुए वाडिया एवं मर्चेंट का मानना था कि आज स्थिति यह है कि 80% किसान अपनी जोत के बल पर अपना कर्ज कभी नहीं चुका सकेंगे। भूमि का विखंडन, दरिद्रीकरण और ऋणग्रस्तता ने गांव की सामाजिक संरचना पर भी असर डाला। इनका सामूहिक परिणाम खेत मजदूरों की संख्या में तेजी के साथ वृद्धि के रूप में सामने आया। लगान, कर्ज, पूंजीवादी शोषण के बोझ ने धीरे धीरे छोटी जोत के किसानों को उनकी जमीन से वंचित कर रहा आरंभ कर दिया। अपनी जमीन हाथ से निकल जाने के बाद यह तबका दूसरों की जमीन पर मजदूरी के लिए खेती करने को बाध्य हो गया। जैसे जैसे ऋणग्रस्तता एवं दरिद्रीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, खेत मजदूरों की संख्या भी तेजी के साथ बढ़ी। बंगाल में 1921 से 1923 के सॉरी बंगाल में 1921 से 1931 के मध्य खेत मजदूरों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई। खेत मजदूरों की संख्या में वृद्धि से भी ज्यादा चिंताजनक था ग्रामीण क्षेत्र में कृषि दास्ता का विकास। यह विकास किसान के पूरी तरह ऋणग्रस्त होकर शाहूकार के सिकंजे में फंस जाने के कारण हुआ। मजदूरों ने साहूकार जमींदारों के खेतों पर उसी के द्वारा तय की गई
मजदूरी के आधार पर काम करना पड़ा। यह मजदूरी अनाज के रूप में दी जाती थी तथा बहुत ही कम होती थी। कृषि आयोग के अनुसार कृषि दास को सड़क कूटने वाले मजदूर की मजदूरी का एक तिहाई ही मजदूरी के रूप में प्राप्त होता था। तमिलनाडु के पनियाल तथा गुजरात के हाली समूह के लोग इसी प्रकार के कृषि दास की अथवा बंधवा मजदूर की श्रेणी में आते थे। जनमत के दबाव में सरकार को इस प्रथा पर अंकुश लगाने का दिखावा करना पड़ा तथा 1920 में कमियौती को रोकने हेतु एक कानून बनाया गया। कृषि के वाणिज्यकरण ने भी किसान के शोषण एवं उत्पीड़न की प्रक्रिया को तीव्र किया। वाणिज्यकरण का तात्पर्य था विश्व बाजार के लिए उत्पादन करना। इस स्थिति में अंतरराष्ट्रीय कीमतों एवं व्यापार के उतार चढ़ाव का सीधा असर किसानों पर पड़ने लगा। विश्व बाजार में भारतीय किसान को उन्नत कृषि वाले देशों के किसानों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। अपने कम पूंजी निवेश, उत्पादन के पिछड़े तरीके तथा भूमि की कम होती उर्वरता के चलते किसान दूसरे देशों के किसानों की तुलना में न केवल कम पैदा करता अपितु अधिक लागत पर पैदा करता था। अतः विश्व बाजार में उसे हानि उठानी पड़ती थी। वाणिज्यकरण ने कृषि के क्षेत्र में विशिष्टीकरण को भी बढ़ावा दिया। भारत में यातायात के साधनों का विकास वाणिज्यकरण का एक मुख्य कारण था। इस विकास के कारण अब प्रत्येक क्षेत्र हर फसल को पैदा ना करके उसी विशेष फसल को पैदा करता था जो उस क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। जैसे आसाम में चाय, बंगाल में पटसन, महाराष्ट्र में कपास आदि। यह विशिष्टीकरण की सूचक है। अब हमने जो देखा कि ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसके पश्चात हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष में हम पाते हैं कि ब्रिटिशों की नीतियों के कारण भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। ब्रिटिश शासन काल में किसानों की ऋणग्रस्तता प्रत्येक दशक में बढ़ती ही गई। 19वीं सदी के 90 दशक के प्रारंभ में किसानों की स्थिति काफी दयनीय थी। किसानों की ऋणग्रस्तता ब्रिटिश शासन के दौरान लगातार बढ़ती गई। सामान्य बहुसंख्यक किसान सूदखोरों के चंगुल में फंसते चले गए और अपनी स्थिति से मजबूर होते चले गए। 1927 से 37 के बीच किसानों पर अत्यधिक कर्ज का बोझ बढ़ने के कारण आर्थिक मंदी थी। इस दौरान कृषि उत्पादों की कीमतें तेजी से घटी
जिसके कारण किसानों की आय आधी से भी कम रह गई। फलस्वरूप कर्ज बढ़कर लगभग 1800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हालांकि सरकार ने कुछ क्षेत्रों में किसानों को कर्ज माफी भी दी, परंतु यह पूर्णतया अपर्याप्त थी। इस प्रकार पूरे देश में अराजकता, निर्धनता, बेगारी, अव्यवस्था आदि फैलती चली गई, जिससे चारों ओर स्वाधीनता संग्राम की एक लहर फैली और इसने कृषकों को अपनी ओर आकर्षित भी किया। इस प्रकार से हमने ब्रिटिश काल के दौरान ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था देखा। इससे हमें यह ज्ञात हुआ कि जमींदारों, साहूकारों एवं महाजनों के चंगुल में गरीब कृषक व काश्तकार फंसते चले गए और उनका निर्मम शोषण भी हुआ। इसके साथ साथ कृषि के क्षेत्र में वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया भी अपनाई गई। वाणिज्यीकरण से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था जिसमें भारतीय कृषि को विश्व बाजार से जोड़ दिया गया। अब भारतीय कृषकों को न केवल कम लागत पर और बिना किसी तकनीकी जानकारी के उन विकसित राष्ट्रों के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ी जो काफी सक्षम और योग्य थे। इस कारण भी किसान लगातार अपने शोषण का शिकार होते चले गए। तो इस तरह से हमने पाया कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और इसके कारण लगभग 75% आबादी तक इसके निर्मम शोषण का कारण बनी। तो इस प्रकार से हम अपने इस विषय को यहाँ विराम देंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस विषय को अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आप इसको जल्दी जल्दी नोट करते चले जाएं और इसका आंसर आप तैयार करें। आपको इससे संबंधित प्रश्नों में ब्रिटिश शासनकाल की ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर औपनिवेशिक काल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालें, इस प्रकार से भी प्रश्न किए जा सकते हैं। प्रश्न किसी प्रकार से पूछे जाए आप उनके लिए तैयार रहेंगे और यदि आपको इस विषय से संबंधित कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में अपने सुझाव या सवाल लिख के भेजें, हम उनका निपटारा जल्द से जल्द करेंगे। तो इसी विश्वास और कामना के साथ कि आप घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, इसी के साथ मैं आज के लिए अलविदा चाहूंगा। धन्यवाद।